साक्षी सिंह, आरबीएम न्यूज इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग वेब न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दिल्ली के छतरपुर में स्थित रेडियंस होटल में नेहा काला द्वारा होलिस्टिक साइंस एंड वेलनेस पर नेशनल समिट व कर्मा अवार्ड का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य तौर से योगा एक्सपर्ट विवेक मिश्रा, महामंडलेश्वर माँ भवानी, डॉक्टर प्रिया कौल, डॉक्टर शीनू संजीव, तांत्रिक शिवानी दुर्गा, मॉडल एंड एक्टर दिनेश मोहन व सपना दत्ता आदि कई जानी मानी हस्तियां खास तौर से मौजूद रही। इस कार्यक्रम को डॉक्टर शीनू संजीव द्वारा सपोर्ट किया गया व डॉक्टर प्रिया कौल द्वारा होस्ट किया गया। पेश है आरबीएम न्यूज इंडिया की खास रिपोर्ट। हाय, नमस्ते। नमस्ते। हम सब आज यहाँ मिले हैं, ये कुदरत की बहुत बड़ी एक प्लानिंग है और उस प्लानिंग के मद्देनजर हम यहाँ से मिल रहे हैं आज, और बहुत सारे लोग हैं। मैं चाहती हूँ कि हम सब यहाँ से कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन अपनी लाइफ को बदलने के लिए और नया सीखने के लिए लेके जाएं। सो आई प्रिया कौल वेलकम यू ऑल हियर इन द इवनिंग टू एक्सपीरियंस डिवाइन ब्लिस एट द नेशनल समिट ऑफ होलिस्टिक साइंस एंड वेलनेस सीजन 2। वी विल नॉट जस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टिल द समिट एंड्स, बट परहैप्स देयर विल बी फ्यू ऑफ यू हु वुड बी ग्रेस्ड विद कार्मिक अवार्ड in order to grace the car. मेरा नाम स्वरा कुमार है, मैं एक फेस रीडर हूँ, ऑरा रीडर हूँ, और अपने बारे में बताना चाहूँगी कि आज जो मेरा विषय है, जो मेरा टॉपिक मुझे मिला है, वो है महत्व दिए का, दीपक का। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मेरी हिंदी कुछ ज्यादा है, अगर कोई परेशानी हो तो आप बताएं। गाइस, दिस इज प्रतिमा शर्मा, द फाउंडर ऑफ द टैरो लेडी फ्रॉम पुणे। थैंक यू नेहा काला जी, एंड आई एम रियली हाईली ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट। मैं सही हूँ, वो कहते हैं मैं सही हूँ, तो सही कौन है? हाउ डू आई नो कौन सही है? तो मैं कहती हूँ कर्मा। Say what I was passionate about. What I am passionate about is my karma, and that karma is looking after 110 dogs and cats in my house. And that's how I was happy to be with you. Hello everyone. Obviously, बहुत अच्छा लग रहा है. It's very good to connect with Neha. Last 1 year से Neha से मैं connected हूँ, और एग्जैक्टली न्यूट्रिशन जो मैं कहती हूँ, ये सिर्फ बॉडी का नहीं, माइंड बॉडी एंड सोल इन एवरी वे। तो होलिस्टिक इसमें भी, क्योंकि हम लोग को थ्रू न्यूट्रिशन और हीलिंग्स थ्रू फॉर माइंड बॉडी एंड सोल सबके लिए ज़रूरी है, और ज़रूरी है कि हम खुद अपने से करें और साथ साथ सोसाइटी के लिए भी करें। थैंक्स, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। थैंक यू। प्लीज़, ये तालियां खत्म नहीं होनी चाहिए, ये बहुत अच्छा है कि दिस इज काइंड तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। अब मैं ऐसे ही बोलूंगी, राजनीति बोल से। नहीं कर सकता।
अच्छे चार। Can I please have Rajesh Chauhan ji? मेरा नाम दिनेश मोहन है और मैं एक छोटा सा मॉडल और एक्टर हूँ। बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ आके और नेहा कला जी ने सारा ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत मेरे पीछे पड़ी हुई थी। बहुत अच्छी मित्र है मेरी और बहुत नॉलेज बढ़ी यहाँ पे। हम बाकी सब चीज़ों में उलझे रहते हैं और स्पिरिचुअलिटी को, हॉलिस्टिक वेलनेस को हम भूल जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा लगा इसलिए मुझे यहाँ पे आके। Hi, my name is Vaishali Jain. I'm a tarot card reader and a numerologist. Today I'm here in National Summit of Holistic Science and Wellness organized by Neha Kala. It's my honor. I am one of the awardees here in the evening. So main Neha ji ka bahut bahut thank you bolna chahungi for nominating me and selecting me for the award, for the Karmic Award. And I hope her she achieves a great success. And all the best for the event. Thank you so much. मेरा नाम भवानी नाथ है। मैं महामंडलेश्वर हूँ किन्नर अखाड़े से और एक तंत्र साधक भी हूँ। क्या कहना चाहेंगे जो आज होलिस्टिक साइंस पर आधारित कार्यक्रम हुआ इसका? देखिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है आप लोगों को और सॉरी जो नेहा ने किया है कि लोगों को जो उनके अंदर की जो अलग से जो एनर्जी है वो लोगों के बीच में आए और जो उनके अंदर खूबियाँ हैं वो समाज के काम आए, क्योंकि समाज हित के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसमें यह है कि हमारे अंदर की जो अच्छी ऊर्जाएं हैं वो समाज के काम आ सकती हैं। हर हर महादेव। मेरा नाम शिवानी दुर्गा है और मैं भी इस ब्रह्मांड में अपना एक छोटा सा रोल अदा कर रही हूँ और आज यहाँ पर प्रोग्राम में इन्वाइटेड हूँ। क्या कहना चाहेंगे जो होलिस्टिक साइंस पर आधारित कार्यक्रम हुआ इसके बारे में कुछ क्या बताना चाहेंगे? होलिस्टिक साइंसेस के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी, बिकॉज मेरा मिशन रहा है इस चीज़ के ऊपर हमेशा बात करना या लोगों में अवेयरनेस लेकर आना, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि लोगों को जो एक वहम है कई चीज़ों को लेकर के, पहले एस्ट्रोलॉजी को लेकर के था कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर क्योंकि तंत्र जुड़ा हुआ है या अकल जुड़ा हुआ है, वो रॉन्ग है। किसी भी ऐसी साइंस से जो लोग जहाँ पर लोग थोड़े से अवेयर नहीं हैं, डरते हैं, तो हम ये ऐसे प्रोग्राम्स डेफिनेटली समाज में एक अवेयरनेस लेकर आएंगे, लोगों में मुझे लगता है जागृति आएगी कि वो डरना बंद करेंगे, कि ये उनके फ़ायदे के लिए है ना कि नुकसान के लिए। हाय, मेरा नाम है प्रिया कौल। मैं एक होलिस्टिक हीलर हूँ, एक स्पिरिचुअल गाइड हूँ और आज मैं आई हूँ नेशनल समिट ऑन होलिस्टिक साइंस एंड वेलनेस पे। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम ये है और बहुत ही नॉलेज यहाँ पर बांटी जा रही है। आप लोग मिस कर गए यहाँ पे आना। जो नेशनल समिट भी आएगा, मैं चाहती हूँ कि आप सब ज़रूर यहाँ पर आएँ ताकि आप मैक्सिमम लोगों से सीख पाएँ, बिकॉज यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं जो अपने एक्सपीरियंस को, अपनी नॉलेज को आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। थैंक यू। मेरा नाम विवेक मिश्रा है और आज इस होलिस्टिक सबमिट में आके काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत जगह बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन होता है जहाँ पे सिर्फ जो बातें होती हैं वो शरीर के रखरखाव को, ध्यान को, लेकिन यहाँ पर तो धर्म के साथ साथ अपने दिमाग को, अपनी मानसिक स्थिति को किस तरीके से संपूर्ण रखा जाए, किस तरीके से स्वस्थ रखा जाए और जीवन में अपने उद्देश्य को कैसे पूरा जाए, उस तरीके की सब्जेक्ट में आके बहुत अच्छा लगा। और बहुत अपने अपने क्षेत्र के जाने माने और गणमान्य व्यक्ति थे। हर इंसान ने अपनी तरफ से एक नई सोच को दिशा प्रदान की, बहुत सारी नई बातें अपने एक्सपीरियंस के थ्रू बताई। तो हम आज इस होलिस्टिक सबमिट से ज्ञान का बहुत सारा खजाना लेकर जा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको भी उतना ही पसंद आया होगा। हेलो, मैं सपना दत्ता हूँ। क्या कहना चाहेंगे आज के होलिस्टिक साइंस कार्यक्रम के बारे में? बहुत खुशी हुई क्योंकि और प्रोग्राम्स तो होते रहते हैं पर ऐसा होलिस्टिक एंड समथिंग टू यू नो ब्रिंग आउट द ट्रूथ इनसाइड एवरी सोल वाज अमेजिंग। मेरे लिए तो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म था। इतने बड़े बड़े लोग यहाँ आए थे और बहुत अच्छा बोल रहे थे, कुछ सीख कर जा रही हूँ, खुश होकर जा रही हूँ। थैंक यू। मेरा नाम ललित शर्मा है, मैं गाज़ियाबाद से आया हूँ और नेहा काले जी से पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जिस तरीके का आयोजन ये हो रहा है होलिस्टिक साइंसेज एंड वेलनेस के बारे में, मुझे लगता है ऐसे प्रोग्राम हर वर्ष बल्कि हर 3 महीने 6 महीने में होने चाहिए, क्योंकि समाज को ऐसे प्रोग्राम जागरूक करते हैं। जिस तरीके से इस ऐसे डिजिटलाइजेशन में लोग जो है मॉडर्न होते जा रहे हैं, मोबाइल में खोते जा रहे हैं,
व्हाट्सएप फेसबुक से बाहर नहीं निकल पा रहे, ऐसे प्रोग्राम शायद लोगों को घरों से बाहर निकाल के लाएंगे कि भाई ऐसे प्रोग्राम अटेंड करें। इसमें कहीं ना कहीं संस्कृति है, ज्ञान है, ज्ञानवर्धन है, हर तरह की जो जिज्ञासा है, जितने भी हमारी साइंसेज हैं, चाहे ज्योतिष शास्त्र हो, वास्तु हो, न्यूमरोलॉजी हो, या जो भी हमारे संस्कारों से संबंधित हैं, उसका जितना जनमानस में प्रचार प्रसार होगा उतना अच्छा होगा समाज के लिए। और मुझे लगता है नेहा काला जी को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ, इस तरीके से वो प्रोग्राम करते रहें और समाज में ऐसी जागृति चलाते रहें होलिस्टिक साइंसेस को लेकर। मैं समझता हूँ प्रिया कौल जी में काफ़ी एनर्जी है इस प्रोग्राम को संभालने के लिए, और भगवान उन्हें लंबी आयु दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, और इस प्रकार प्रोग्राम वो करती रहें। हाय, मेरा नाम आशीष कुमार है और आज मैं यहाँ नेहा जी के द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम, जैसा कि आप देख सकते हैं, नेशनल सबमिट में आया हूँ और यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज लोग आए हैं जिन्होंने बहुत सारी बातें करी ज्ञान के बारे में और हम कैसे अपनी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं, कैसे अपने विचारों को बदल सकते हैं। तो आज यहाँ पे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, कई लोगों ने अपने बारे में बताया कि उनकी जर्नी कैसी थी और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। प्रिया जी ने बहुत अच्छे से मंच का संचालन किया हुआ है और सभी को सही तरीके से बुलाना और उनके बारे में अच्छी चीज़ें बताना और पूरे लोगों को एक माहौल बना के रखा हुआ है, तालियों की गड़गड़ाहट करवाना और सबके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताना, और उन्होंने अपनी भी जर्नी शेयर करी है हमारे बीच में, तो बहुत अच्छे से चीज़ों को लिया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आरबीएम न्यूज़, इंडियाज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग वेब न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।